गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। अभी तक हमने आमेर फोर्ट कवर नहीं किया था। आज हमारा जयपुर में तीसरा दिन है, आमेर फोर्ट कवर करेंगे। उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता और यहाँ पे है दुश्मन कचौड़ी वाले। देखते हैं हमें प्यार से कचौड़ी खिलाते हैं या मार पीट के। अच्छा, आपका नाम दुश्मन कचौड़ी वाला क्यों है? लंबी कहानी है भैया। अच्छा, नाम देखा क्या नाम रखा जाए हटके। फेसबुक चला रहा था, उसमें गाना आ गया और दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मैंने कहा वो हलवाई सामने रहेगा और वो देखेगा तो हंसेगा, बोला दुश्मन कचौड़ी वाला। हंसने के पर्पज से डाला था मैंने, लेकिन शायद रीजन से जोर हो गया। कचौड़ी हमने खा ली है, इतनी अच्छी लगी मैंने दो बार कचौड़ी लेके खाई है। चटनी डालनी है, कड़ी डालनी है? कड़ी डाल दो। ये लिए गर्मा गर्म स्पाइसी कड़ी, राजस्थान की फेमस ये कड़ी, एंजॉय करिए। थैंक यू भैया। तो अब इनको कहते हैं भैया को बाय बाय और चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। ठीक है भैया, धन्यवाद। बारिश आ रही है, इस समय हल्का हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हम लोग आ गए हैं पीछे वाले रास्ते से, बाइक यहाँ ऊपर खड़ी कर दी है। पार्किंग के चार्जेस हैं 10 रुपये, तो भैया जी रहेंगे गाइड, राजवीर सिंह जी उनका नाम है। तो चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं आमेर किले का टूर। राजा 11th सेंचुरी में जब आए 1135 में, तो उन्होंने मीणाओं को अपने अंडर में करा युद्ध जीत के, और जीतने के बाद ये पोर्शन को तैयार करवाया, विलेज बनवाया, नीचे एक पैलेस बनवाया। जिस 1580s में यहाँ के एक राजा बने जिनका नाम था मानसिंह। अच्छा, और मानसिंह की पहचान होती है चीफ ऑफ आर्मी अकबर के रूप में। जब वो चीफ ऑफ आर्मी डिसाइड कर दिए गए, उसके बाद से उन्होंने पैलेस को नीचे से ऊपर डिजाइन करवाया। अच्छा, इसी के लिए एक वॉल सिस्टम बनवाया गया जो दुनिया का 3rd longest वॉल सिस्टम है। अच्छा, चाइना आफ्टर दैट राजस्थान में कुंभलगढ़। अच्छा, और थर्ड इसको काउंट किया जाता है 12.8, जहाँ पे 24 आवर्स रोल जाता है। पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 110 ईयर्स का टाइम लगा। फर्स्ट महाराजा मानसिंह, आफ्टर दैट मिर्जा राजा जयसिंह, और लास्ट महाराजा सवाई जयसिंह। इसको चंद्रपोल कहते हैं। चंद्रपोल, हाँ, चंद्र यानी चांद, पोल यानी बड़े दरवाजे। पश्चिमी द्वार बनवाया गया आम जनता के दरवाजे। इसी के अपोजिट एक गेट और डिजाइन कराया गया जिसका नाम रखा सूरज पोल। अच्छा, सूरज पोल के लिए हमेशा राज परिवार उनके मेहमानों के लिए होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सामने बनवाया गया जिसको कहते हैं सूरज पोल। सूरज पोल, हाँ, एलिफेंट यहाँ की पहचान है। काली माता का टेंपल है, वो गेट है, मार्बल का गेट है, ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, और जो ऊपर गणेश जी की मूर्ति है वो कोरल की मूर्ति है, बिगेस्ट कोरल इन द वर्ल्ड में काउंट होता है। पैलेस का पहला डोर आएगा जो पैलेस के इनसाइड में हमारे को एंटर कराएगा, इसका नेम रखा गया लॉइन गेट। अच्छा, लॉइन हिंदी में सिंह पोल के नाम से इसका नामकरण किया गया। गेट के बनने के बाद से कभी रिपेंट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ के दो गेट हैं जिनको कभी रिपेंट नहीं किया जाता। तो यहीं से हम इनसाइड चलेंगे पैलेस में, और पैलेस का फर्स्ट पोर्शन आता है जिसका नेम रखा गया दीवाने आम।
यहाँ पे मैंने देखा है जितने भी आपके महल हैं या जो भी गढ़ बने हुए हैं उनमें सब में पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रखा है। अब मेरे को ये पता कह रहा है कि राजा महाराजा जैसे पहाड़ पे रहते थे, अब कुछ पहाड़ होते हैं जिस पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जहाँ से पानी निकलता रहता है, और ये मेरे को लगता है सूखे पहाड़ है उनमें कुछ पानी निकलता ही, तो इसी वजह से ये पानी स्टोर करके उसको बाद में यूज़ करते हैं। पूरा आमेर जो बना, आमेर में तीन पानी के टैंक डिज़ाइन करे, एक पानी का टैंक डिजाइन किया गया मानसिंह महल में, अच्छा, एक यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम पे, ये वहाँ का टैंक, और एक नीचे डिजाइन किया गया। अच्छा, पानी का सिस्टम ऐसा रखा गया कि पानी कहीं से भी आए रेन वाटर वो ऑटोमेटिक शिफ्ट होता जाए। ये है सर पैलेस का थर्ड पोर्शन, थर्ड पोर्शन जहाँ से अपन ने एंट्री करी, इसका नेम रखा गया दीवाने आम। फोर्ट एरिया है, राजा महाराजाओं के टाइम पे डिज़ाइन करे गए, हिंदू मुगल शैली में बना हुआ पैलेस है ये। राजा मानसिंह चीफ ऑफ आर्मी अकबर से उसी के टाइम पे एक पार्ट और कनेक्ट किया गया जिसको मुगल पार्ट, हिंदू कल्चर के राजा थे तो हिंदू कल्चर में इन्होंने अपनी हाइट पर बनाया है हिंदू कल्चर, तो पिल्लर्स को दो कलर में डिज़ाइन किया गया, तो हिंदू में जितने भी टेम्पल डिज़ाइन किए जाते हैं अधिकतर वाइट मार्बल से, मुगल्स ने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिज़ाइन करी है वो राइट पार्ट में करी है। पिलर का टॉप फेस डिज़ाइन किया गया गणेश जी के फेस के रूप में जो हिंदू कल्चर को प्रेजेंट करता है, नीचे वाला बॉटम का जो डिज़ाइन तैयार किया गया वो अरेबिक आर्ट में जिसको पर्शियन आर्ट कहा जाता है मुगल आर्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया। अच्छा, इसी के राइट हैंड साइड पर गेट डिज़ाइन किया गया जिसका नेम रखा गया गणेश पुर, गणेश पुर का जो गेट है ये 1620s में बना हुआ गेट है, गेट को बनने में 6 साल का एक लंबा टाइम पीरियड लगा, रीज़न ऑफ दैट कि पैलेस जो डिज़ाइन किया गया है वो लाइम स्टोन से किया गया है और लाइम स्टोन पर कोई भी कलर यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, इसी के लिए प्लास्टर ऑफ पैरिस हैंडमेड पेपर तीनों को मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद इस पर ऑर्गेनिक कलर्स के द्वारा पेंटिंग की गई जो आज भी 370 साल कम्प्लीट कर चुकी है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं आज ही वैसे का वैसा ही है, अभी आप रेन टाइम देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं रेन को भी, तो यहाँ पर रेन वाटर भी गिरता है, डे टाइम पर सनलाइट भी रहती है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का भी डैमेज नहीं। इसी के राइट हैंड साइड पे डिज़ाइन किया गया जिसको कहते हैं किचन एरिया, रॉयल फैमिली ने दो किचन डिज़ाइन करवाए, एक है डेली पार्ट के लिए और एक है वेडिंग और फेस्टिवल, और इसी के बिहाइंड में जहाँ हम खड़े हैं यहीं से आप टर्न करेंगे तो आपको टर्न करने पर लेफ्ट हैंड साइड पर 27 कचहरी देखने को मिलेगी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से राजाओं के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते हैं, इसी के इनसाइड में हम जाएंगे और अंदर जाने पे आपको देखते हैं कि मिलेगा यहाँ का फर्स्ट शीश महल एशिया का। कॉम्बिनेशन से ये बन के तैयार हुआ कलर है, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक कलर कहा जाता है। ये ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर है, अच्छा, पेंटेड किया हाँ उसी टाइम का है। नीचे का जो डैमेज आप देख रहे हैं इसका रीज़न है यहाँ पे 2 बार हैंड टच होता है, और हैंड टच नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको नेल्स के थ्रू या किसी के थ्रू डैमेज कर देंगे तो डैमेज होगा। जैसे ये पोर्शन आप देख सकते हैं कि थोड़ा डैमेज है, इसका रीज़न ये किसी थ्रू डैमेज कर दिया, एवरी पर्सन यहाँ पे हैंड टच करता है, तो ये वाला कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं डल है, लेकिन यहाँ पे शाइन कर रहा है, और यहाँ पर शाइन करने का रीज़न कि यहाँ पे एवरी डे हैंड टच किया जाता है, और हैंड टच करने से कलर अपने आप बाहर आता है, और इसी तरीके से एक कलर कॉम्बिनेशन
ये दीवाने खास का एरिया है जो पूरा एक डिज़ाइन किया गया। दीवाने खास को 3 पार्ट में डिज़ाइन किया गया। फर्स्ट पार्ट जिसको लेफ्ट हैंड साइड पे कहते हैं मिरर पैलेस, वर्ल्ड का सेकंड वर्ल्ड का बिगेस्ट मिरर पैलेस है। इसके बाद इंडिया में 5 मिरर पैलेस और तैयार किए गए, लेकिन इससे बड़ा आज भी कोई नहीं। मिरर पैलेस को डिज़ाइन करने के लिए जो ग्लास है वो एक्चुअली यूरोप के बेल्जियम से इंपोर्ट किए। राजाओं का सबसे बड़ी जो पार्ट था वो थी उनकी रानियाँ। एक लंबा डिस्टेंस टाइम होता था युद्ध में जाके आने का, तो फैमिली से जब दूर रहते थे, फैमिलीज में कोई ना कोई डिमांड जरूर आती है। इसीलिए रानियों ने एक दिन एक ऐसी डिमांड रखी जिसको पॉसिबल करना, इसको कहते हैं गैलेक्सी। इसको हाँ सर, यानी रानियों ने एक डिमांड रखी कि कोई ऐसा पोर्शन चाहिए कि जहाँ पर वो डे टाइम पर भी अगर आराम कर लिए तो आराम करते वक्त उनको गैलेक्सी का एंजॉय करना। इसी के लिए यूरोप के बेल्जियम से इम्पोर्ट किया गया ग्लास। ग्लास इसको कर कटिंग किया गया, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। ग्लासेस को कर्व कटिंग किया गया, डिज़ाइन बनाया गया, तो सीलिंग को भी कर्व में डिज़ाइन किया गया। अच्छा, इसका रीज़न कि कम कैंडल फायर हो, और कम कैंडल फायर होगी तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। मकराना में पॉसिबल होता है, इसी मार्बल से हिंदुस्तान में ताजमहल बना और आगे के कई पोर्शन डिजाइन किए गए। इनले वर्क और कार्विंग वर्क के रूप में ये पार्ट तैयार किया गया है। इनले पार्ट में ड्रिल करके अनदर मार्बल को फिक्स किया जाता है, कार्विंग में उसी मार्बल के एक सिंगल पीस में कई वर्क किए जाते हैं। देखने में तो एक प्लांट है ये, लेकिन इस प्लांट में कई जानवर भी हैं, छोटे छोटे एनिमल्स के पार्ट हैं। एक प्लांट बनवाया गया, प्लांट में छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जैसे गौर से देखेंगे तो स्कॉर्पियन जिसे बिच्छू कहा जाता है, ये कोबरा कपल है, ये फिश है, ये लॉइन टैल है, ये पिकॉक नेक है, ये है हनी बी है, एलिफेंट ईयर है, आंट है, चीटी। तो इस तरीके से इस पोर्शन में अलग अलग पोर्शन तैयार करते हैं। तो एक आर्ट वर्क भी हो गया और एक राजपरिवार का मार्बल पार्ट। सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर एक मैरिड वुमेन के पोर्शन तैयार करी गई थी। मैरिड वुमेन का पोर्शन जो है एक्चुअली नीचे वाले होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसका एंजॉय किया करते थे। मार्बल के 3 बड़े विंडो डिज़ाइन किए गए जहाँ पर रानियाँ बैठती और हर चीज़ का एंजॉय करती। विंडोज़ को कवर किया जाता था ब्लैक कलर से, तो नीचे कोई अगर गैर मर जाए या नॉन पर्सन है, अगर वो टॉप पर देखे तो बिहाइंड वॉल कौन है इस चीज़ को कोई नोट ना कर सकता। इसी विंडो में सेंटर में एक स्मॉल विंडो डिज़ाइन किया गया जो ओपन बनवाया गया, क्योंकि राजा कहीं से वॉर कंप्लीट करके आते हैं तो रानियाँ उनका यहीं से वेलकम करते हैं। अच्छा, बैक साइड का पोर्शन तैयार किया गया इनसाइड का पीओपी और उनसे, और आउटसाइड का जो पोर्शन तैयार किया गया लाइमस्टोन और अदर चीज़ों को यूज़ करके, और उसी पर पेंटिंग की गई जो आज भी नेचुरल है। इसका नाम रखा गया व्यू पॉइंट। पुराने ज़मानों में लेडीज़ को कर्टन्स में रहने की परमिशन होती, चाहे पैलेस के इनसाइड हो या आउटसाइड हो। अगर उनको विलेज के हर चीज़ का एंजॉय करना है तो यहाँ पे 4 व्यू पॉइंट डिज़ाइन किया गया, 2 ईस्ट में 2 वेस्ट में। अच्छा, रानियाँ व्यू पॉइंट पर आती, नीचे वाली हर चीज़ का एंजॉय करती,
और इंजॉय करने के बाद वापस अपने अपने पैलेस में निकल जाते हैं। तो पैलेस में इस पॉइंट पर आने के लिए वे डिज़ाइन किया गया जो आप देख रहे हैं कि आपके फ्रंट में, इसी के बिहाइंड में व्यू पॉइंट है जहाँ से हम नीचे की एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसमें एक बिग किचन एरिया भी तैयार किया गया जो कई मूवीज में बिग फ्राई पैन दिखाया गया वो यहाँ पे प्रेजेंट किया। वैसे एक मूवी बनी जिसका नाम रखा गया जोधा अकबर। जोधा अकबर का एक कुकिंग शॉट हुआ, कुकिंग शॉट के लिए बिग फ्राई पैन मंगवाया गया, वही बिग फ्राई पैन आज भी यहाँ पे रखे हुए। ये भी जैसे मटके वटके रखे हुए हैं पुराने टाइम के? नहीं सर, ओरिजिनल नहीं है एक्चुअली, ये पार्ट का ही क्या लीज पे जो हुआ था। अच्छा, अब लीज का पार्ट है, लीज कंप्लीट हो गई तो इनको लॉक कर दिया गया, रेंट बाकी होगा इनका कोई। जिस पोर्शन में इस टाइम आप विजिट कर रहे हैं, इस पोर्शन को समर पैलेस के नाम से जानते हैं जिसको सुख मंदिर का नाम दिया गया। सुख मंदिर को बनाने के लिए मार्बल, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इनको ज़्यादा यूज़ किया गया क्योंकि दोनों ही चीज़ें ठंडक के रूप में काउंट की जाती है। इसी के सेंटर में जो आपने बिहाइंड में रूम देखा उसी के सेंटर में एक हॉल तैयार किया गया। राजस्थान में गर्मी का जो पोर्शन होता है उसमें हवा का डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट होता है, इसीलिए यहाँ के आर्टिस्टों ने नॉर्थ का जो पोर्शन है उसमें एक वाटरफॉल को डिज़ाइन किया गया, वाटरफॉल को कनेक्ट किया गया वाटर टैंक से। रेन वाटर को जहाँ पे स्टोर किया जाता था, वॉल की थिकनेस को करीब 3 से 3.5 फीट रखी गई जिससे हीट एयर बाहर ही रह जाए, उस टाइप का जितना भी वाटर वो सेफ रहे। अब सेफ वाटर है तो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वो कूल हो जाएगा, तो उसी के लिए एक वाटरफॉल को डिज़ाइन किया गया जहाँ से वाटर को नीचे शिफ्ट किया जाता था वहाँ से। हाँ, शिफ्टिंग के पार्ट के तीन तरफ में विंडो डिज़ाइन बनाए गए मार्बल के जिससे हॉट एयर इनसाइड आए, दोनों का कॉम्बिनेशन कराया गया एयर को कूल करने के लिए, पानी यहाँ से आता है। वाटर को सेव करना है, दोबारा से रीयूज करना है, बाहर वापस गार्डन से नीचे वाले टैंक में, टैंक से वापस बैक टैंक में टॉप पे शिफ्ट किया जाता है। ग्रास कर्टन यूज किए जाते हैं, रीजन ऑफ दैट एयर को स्टोर करना है, एयर इनसाइड रोटेट होती, रोटेट होकर पहले फिल लगता है। अब सर अपन मानसिंह पैलेस की तरफ मूव कर रहे हैं और मानसिंह पैलेस पैलेस का सबसे पहला पॉइंट है जहाँ से पैलेस को स्टार्ट किया गया। जिस गैलरी में आप जा रहे हैं इसको महारानी गैलरीज के लिए डिज़ाइन किया गया था, रानियों के आने जाने के रास्ते हुआ करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे डिज़ाइन विंडोज़ के बनाए गए जहाँ से हवा रोशनी प्रॉपर आए, लेकिन बाहर का अगर कोई पर्सन है तो इनसाइड को देख ना सके। यहीं से राइट टर्न करेंगे, पैलेस के इनसाइड में एंटर करेंगे। पैलेस के जो पोर्शन उसमें 12 अपार्टमेंट डिज़ाइन किए गए। 12 अपार्टमेंट का मतलब राजा मानसिंह के एक नहीं 12 रानियां थी, 12 रानियों को अलग अलग अपार्टमेंट अलॉट किया जाता था। राइट हैंड साइड पर हम जहां एंटर कर रहे हैं फर्स्ट महारानी का अपार्टमेंट है। अच्छा, एवरी अपार्टमेंट ये वाला? हाँ, नीचे वाला। हाँ, एवरी अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइन करने के इनसाइड के पोर्शन तैयार किए गए। पोर्शंस के अंदर वाले पोर्शंस में पहला बेडरूम है, बेडरूम के पास में दो रूम बनाए गए। रूम्स हमेशा कपड़े रखने, ज्वेलरी रखने या उनको वेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था, पहनने के लिए। ओपन हॉल एरिया तैयार किया जाता था, लाइट और हवा प्रॉपर है। हैंड फैन सिस्टम होते थे, हैंड फैन सिस्टम डिज़ाइन किए गए यहाँ से रस्सियों के द्वारा कपड़े के पंखों को फेंका जाता था, रानी को हवा दिया। वॉल डिज़ाइन किए गए, वॉल में हॉल डिज़ाइन किए गए, डिज़ाइन जिसमें ऑयल लैंप रखे जाते हैं। पैलेस का इनसाइड का ये पोर्शन बनाया गया जिसमें दो रूम डिज़ाइन किए गए। अब ये थोड़ा डार्क है, रीज़न ऑफ दैट बाहर बारिश हो रही है।
ये है देखिए बारादरी का एक पोर्शन तैयार किया, बारादरी रानियों के बैठ के बातचीत करना और पर्सनल को एंजॉय करना उसके एक पोर्शन। रानियों को इनसाइड पहले से मैं डिस्कस करने की परमिशन देता हूँ, राजा के साथ पर्सनली कोई 12 किंग्स को आपस में डिस्कस करना होता तो इन्हीं पोर्शन में एंजॉय किया। फैमिली क्वार्टर से ये वाले, हाँ सर, और जो सर्वेंट इनसाइड जाएगा वो इस गेट से जाएगा, इस वाले गेट से। आफ्टर दिस जो पैलेस के जो फ्रंट डोर है वो हमेशा राज परिवार उनके मेहमानों के लिए होता है। अच्छा, अब ये भी डिज़ाइन किया गया, ये भी कनेक्ट होता है जयगढ़ से। अच्छा, ये जयगढ़ की तरफ जा रहा है। अब जैसे रानी को पालकी से जाना है तो इस रास्ते से जाते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे अगर पैदल पैदल जाना है तो मैं यहाँ से जयगढ़ पहुँच सकता हूँ? यहाँ से अलाउनी फ्रंट से, फ्रंट से तो घूम के जाना पड़ेगा ना। नहीं, कोई बता रहा था कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, आप पैदल पैदल जा से आमेर के फ्रंट से 2 किलोमीटर है वहाँ से। लेकिन सर आपके बाइक है, बाइक भी 2 किलोमीटर तो घूम के जाना पड़ेगा। फिर सर आप अंदर जाओगे फिर वापस आओगे, आप बैक जाओगे तो जयगढ़ भी जाओगे, जयगढ़ से आगे नारगढ़ निकल जाओगे। ये है प्रेजेंट महाराज ऑफ जयपुर सवाई पद्मनाभ, ये ब्लैक कोट में जो है जयपुर में भी एक मानसिंह हुए जिनको सवाई मानसिंह के नाम से जाना जाता है। सवाई मानसिंह ने 3 शादियाँ करी, 3rd नंबर की जो वाइफ थी जिनका नाम था राजमाता गायकी, इनको लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर के नाम से पहचाना जाता है क्योंकि 1947 के टाइम पे यही क्वीन थी राजमाता का, कूच बिहार पश्चिम बंगाल से थी। इनके भी एक बेटा हुआ और सवाई मानसिंह जी के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम है भवानी सिंह, आर्मी रिटायर्ड थे, ब्रिगेड फोर्स से थे, और जब तक आर्मी में इन्होंने जॉब करी सैलरी नहीं ली, केवल 125 रुपये सैलरी लेते थे। इनके भी एक सिंगल डॉटर है, कोई सन नहीं है, तो इन्होंने अपने डॉटर के सन को अडॉप्ट करा, रीज़न ऑफ दैट कि महाराज बनाना जरूरी है। यही करंट महाराज ऑफ जयपुर हैं जिनको सवाई पद्मनाभ सिंह जी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के ऊपर एक फोटो है, उनके 10 ईयर्स का रास्ते तक का पिक्चर है। ये प्रेजेंट में स्टडी करते हैं क्योंकि 24 ईयर्स है, यंग है, तो इंग्लैंड में स्टडी करते हैं, इंडियन पोलो टीम के कैप्टन है और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके लिए मॉडलिंग नहीं करते हैं। देखिए, पुराने जमानों में कपड़े और जवाहरात रखने के लिए संदूकों को बनाया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, एक पीस मॉडल के रूप में रखा हुआ है जो बताने के लिए है कि पुराने जमानों में इसी तरह के संदूक हुआ। अगर संदूक के नीचे व्हील पहिए नहीं है, अगर संदूक के नीचे व्हील पहिए नहीं है तो वो संदूक अंदर महलों के लिए। अच्छा, अगर उस संदूक के नीचे व्हील है, पहिए लगे हुए हैं, तो संदूक है बाहर आने जाने के लिए। आयरन का है, वेल्डिंग हो रहा है, क्योंकि रीज़न की 16th सेंचुरी में बिजली इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो वेल्डिंग हो नहीं सकती थी, तो केवल एक मॉडल के रूप में इसको रखा गया। और ये भी एक सुरंग डिजाइन की गई, ये आउटर सुरंग है, एक आपने इनसाइड देखी, इनसाइड के सुरंग से ये कनेक्ट होती है। रीज़न की जयगढ़ से कनेक्टेड है ये, यानी जयगढ़ से जो भी पर्सन आएगा, आर्मी आएगी, वो पहले इसी में आएगी। यहाँ से हर पोर्शन को कनेक्ट करते हैं अंदर वालों को। ये बिग किचन एरिया है आउटर का। पुराने जमानों में पानी को ठंडा करने के लिए मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह के मिट्टी के बड़े बड़े मटके बनवाए जाते हैं। आज भी एक सिंगल पीस बचा हुआ है जिसको गवर्नमेंट ने सेफ करके रखा है। ये मिट्टी का है? हाँ, ओरिजिनल मिट्टी का है। जिस जगह हम घूम रहे हैं ये पुराने जमानों में मिट्टी के पार्ट हुआ करते थे, तो आप क्या है मिट्टी में दबा के रखते हैं जिससे अंदर के पानी को ज़्यादा ठंडा किया जाए।
आपने सर अंदर भी एक बॉक्स देखा था, मैंने फर्स्ट आपको कहा कि अंदर के लिए जो बॉक्सेस होते हैं उसमें व्हील नहीं होते, बाहर आने जाने के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें व्हील होते हैं, तो दोनों को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने दो बॉक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट में रखे हुए हैं। तो ये था छोटा सा हमारा आमेर किले का टूर, काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बारिश होती रही पूरे टूर में। ये कुछ है पार्किंग का एरिया पीछे। किले में एंटर करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो हमने चंद्रपोल से एंटर किया था आमेर के किले में, और ये हम चंद्रपोल के बाहर ही हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है, ये वाला पार्किंग एरिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।